हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। आज हम अपनी मर्जी के गुलाम हैं, किसी और के गुलाम नहीं। तो गांधी जी को ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कहाँ से उन्हें उनके दिमाग में ये आया कि अहिंसा से भी हम हमारे भारत को जीत सकते हैं, अंग्रेज़ों से वापस ले सकते हैं। आइए शुरुआत में क्या हुआ एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। गांधी जी को, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने लंदन से, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई की, और जब वो इंडिया लौटे तो वो बैरिस्टर बनकर लौटे थे। इंडिया लौटने से पहले वो साउथ अफ्रीका में कहीं ट्रेन के फर्स्ट क्लास बोगी में सफ़र कर रहे थे, और उस सफ़र के दरमियान एक गोरे ने उन्हें ये कहकर उतार दिया कि तुम क्योंकि इंडियन हो, काले हो, तो हमारे साथ सफ़र करने के लायक नहीं। यह कहकर उन्होंने उसको उतार दिया। मतलब ये जो आग लगी, ये लगी रेसिज्म की वजह से, ये लगी भेदभाव की वजह से। उन्हें उतार दिया और उनसे कहा गया क्योंकि तुम भारतीय हो, तुम हमारे साथ सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि तुम काले हो। और ये बात लगी गांधी जी को बुरी। ये बात को अपने दिल में लेकर उन्होंने सोचा कि क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी ट्रेन से उतार दिया, मैं इन्हें अपने देश से निकाल दूंगा। और यही सोच लेकर वो भारत आए। जब वो भारत आए तो उन्होंने क्या देखा होगा कि यहाँ पर जो है अलग ही दौड़ लगी हुई है। भगत सिंह अलग दौड़ रहे हैं, आज़ाद अलग दौड़ रहे हैं, हर कोई कोशिश में है कि कैसे भी आज़ादी की पटरी को ढूंढा जाए और उस पर हमारे देश की रेल को भगाया जाए। पर वो पटरी ना ही मिल रही और ना ही वो रेल मिल रही है, क्योंकि इन लोगों ने जो रास्ता अपनाया था वो था हिंसा का। बहुत कोशिशें हो रही थी। जब गांधी जी आए तब उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हिंसा रास्ता नहीं है, रास्ता होगा तो अहिंसा होगा। फिर भी वो नहीं माने और गांधी जी ने जो है अपनी तरफ से कोशिशें करना शुरू की, और गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। अहिंसा का रास्ता, सच्चाई का रास्ता और एकता का रास्ता, गांधी जी के तीन मूल्य मंत्र थे, अहिंसा, एकता और सच्चाई। और इन्हीं तीनों के बल पर बिना किसी हथियार को उठाए उन्होंने हमारे देश को आखिरकार आज़ादी दिलाई। यहाँ तक के इसी देश के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। और फिर भी आज उस रेसिज्म की वजह से, देखिए ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैंने कहा था साउथ अफ्रीका में ये शुरुआत हुई रेसिज्म से, ये शुरुआत हुई भेदभाव से। उस रेसिज्म की वजह से हमें आज़ादी मिली, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उसी रेसिज्म की वजह से हमारी आज़ादी कभी ना कभी चली जाएगी, क्योंकि आज भी हमारे बीच रेसिज्म है, आज भी हमारे बीच भेदभाव है। कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं सिख ईसाई, बहुत से मसले हैं। कहीं पर जातिवाद, कहीं पर आतंकवाद, बहुत से मसले हैं। कभी मॉब लिंचिंग में लोग मारे जा रहे हैं, तो कभी घर वापसी पर लोग मारे जा रहे हैं, कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं। तो सोचिए उस इंसान से जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, जिसके सिद्धांत क्या थे, अहिंसा, सच्चाई, एकता, उसकी वजह से जो हमारा राष्ट्रपिता है, क्या आज उसकी वैल्यूज़ को हमने उतना संभाल के रखा हुआ है, क्या रेसिज्म में हम अंधे हो गए? दोनों में से सोचिए आप कि हम किस तरफ है, हम गांधी की तरफ है या हम किसी और तरफ है, हम उनके अपोजिट में है। ज़रा सोचिए और बताइए मुझे अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कि हम किस तरफ है। क्योंकि गांधी जी जब भी उस 70-75 साल पहले शायद जब अपने चश्मों से भारत की आज की तस्वीर को देखते होंगे, तो मुझे यकीन है वो आज की तस्वीर आज की तरह की नहीं हुई होगी। दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।